बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैं अजीब सा दिख रहा हूँ क्या? भाई मैं आपसे नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है काफी दिनों से कोई केस ही नहीं आया, सारे रिकॉर्ड्स क्लियर हैं। हाँ यार कोई काम है नहीं, बस बोर हो रहा है। ओके क्या हो रहा है? सर हाँ बोलो। सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो क्या मैं 3-4 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? माँ की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? इस बात की क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा? काम पे ध्यान रखो। मिस बलविंदर। यस एसीपी। कितनी लकी है ना, उसने 1 महीने पहले छुट्टी की एप्लीकेशन दे रखी थी, अब वेकेशन मना रही है। नो क्रिमिनल्स नो क्राइम। यार गाइस बहुत टाइम हो रहा है, आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए यहाँ से। रूपल ये निक कितनी टेंशन क्यों लेती है यार, ये ले चल कर। अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना इसलिए। अरे टेंशन का बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना? लेना देना है। देख अगर बॉयफ्रेंड हो ना तो सारी टेंशन उसे दे देनी चाहिए। गाइस निक्की का बॉयफ्रेंड हो या ना हो पर ये गाना बहुत अच्छा गाती है। सीरियसली मुझे तो आज तक तूने कोई गाना नहीं सुनाया। अरे जस्ट गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। गाइस गाइस निक्की अब तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज कम ऑन निक्की गाओ ना। ओके ओके मोनिया सुनाती हूँ, एक पुरानी मूवी का गाना है चलेगा? वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो गाने की आवाज सुनी तो सोचा देख लेते हैं कौन गा रहा है। नहीं नहीं इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, वो क्या है कि हमारी मालकिन गाती ही इतना सुरीला है कि जो भी सुनता है खिंचा चलाता है। क्या हम आपकी मालकिन से मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, why not? जरूर जरूर। Hi everyone, वेलकम बच्चों, आप सभी का मेरे इस आलिशान महल में स्वागत है। गोलची अच्छी मालकिन, मेहमानों के खाने की तैयारी करो, आज ये सब यहीं खाना खाएंगे। अजी अब समझिए तैयारी हो गई। नहीं,
हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे। बेटा मुझे पता है कि आप सबको बहुत भूख लगी है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। हाँ भूख तो बहुत लगी है। मेरे घर से मेहमान भूखे नहीं जाते। लीजिए मालकिन। आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू बेटा। आप लोग खाना शुरू करिए, खाइए, आपके लिए बनाए। निक्की खाना क्यों नहीं खा रही है? जल्दी से खा के ना चले जाएंगे। चल क्या हुआ निक्की? ये जिंदा है, ये मशीन से था। पागल है क्या? हाँ कुछ भी तो नहीं है, खाना खा यार। बेटा आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया है ना, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मालकिन सूप लीजिए। कोल्ची कोल्ची, सूप ऐसे बनाते हैं क्या? गलती हो गई। आप लोग रुक क्यों गए, खाइए। रूपल, रूपल तूने इसकी चोटी देखी? क्या चोटी, पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती रहती है, चुपचाप से खाना खाना। अच्छा थैंक यू सो मच आंटी, खाना बहुत अच्छा था। अब हम चलेंगे, है ना गाइस? हाँ चल, चलो चलते। पर क्यों? वो एक्चुअली रात बहुत हो गई और हमारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बेटा आपका नाम क्या है? निक्की। निक्की बेटा बाहर देखो कितना अंधेरा हो रहा है, और इस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ऐसे में मैं आप सबकी लाइफ कैसे खतरे में डाल सकती हूँ भला? नहीं नहीं नहीं, आज तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। गोल्ची जी, मेहमानों के रहने का इंतजाम करो। वो तो कर दिया था, इनके आते ही कर दिया था इंतजाम मैंने। आइए आइए, आप लोग कमरा दिखा देता हूँ, आइए आइए। जाइए बेटा, इधर से आइए, इधर से। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरी जवानी वापस आ जाएगी। अब वक्त आ गया है मेरे साथियों, सुबह होते ही हम इस घर से आजाद हो जाएंगे। मालकिन हम फिर से दुनिया में धूम मचा देंगे। हम उन दुश्मनों से बदला लेंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। मैं भी सदियों से बेचैन, जैसे ही तुम चारों मेरे अंदर आ जाओगे मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। मैं जवान हो जाऊंगी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। आई विल बी यंग and powerful forever and ever। याद है ना आपको मालकिन, उस लड़की ने किस तरह मुझे वापस लाकर इधर रख दिया, याद है आपको? याद है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम चारों एक साथ जाओगे, एक साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सबकी रात कैसी रही? बहुत बहुत अच्छी रही।
अच्छा मैडम, अब हम लोग चलते हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने हमें बहुत प्यार से रखा। हमारी परंपरा है कि हम मेहमानों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए, ये सारे एंटीक्स कई साल पुराने हैं। गोलची जी, वेलकम। इन सबको इनके गिफ्ट्स दीजिए। हाँ हाँ, अभी लाया। जाइए ना, आपको देर हो रही है ना, फौरन निकलिए। ओके बाय 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 बाय। मालकिन, जश्न की तैयारी करिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट, वापस रख दिया मैंने। अमेजिंग, एकदम मेंटी की म्यूजिक बॉक्स मिला है। डूड, आई स्टिल कांट बिलीव दिस। संभालिए मैम ने हमें इतने प्यार से रखा, एंड गिफ्ट्स अमेजिंग यार। वो भी इस जंगल में, और उनका घर बिल्कुल फेरी टेल जैसा था। सीरियसली गाइस, आई लव दिस डॉल। पता नहीं तुम लोग इतने इंप्रेस क्यों हो रहे हो, मुझे तो सब एक दिखावा लग रहा था। I mean, something is not right. Oh, oh, oh. चलो सोम की माँ, तू अपनी जासूसी रहने दे, ठीक है? तुम लोग खुद सोचो, कोई अनजान किसी को इतने कीमती गिफ्ट्स क्यों देगा? निक्की, इस दुनिया में ना अच्छे लोग भी होते हैं। फिर भी, I don't trust her. Let's go.
डॉल मुझे दे दो। तुम तो अब मेरी डॉल बन जाओगी। क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मेरी किताब दे दे। किताब? के पन्नों में लिखा जाएगा। निकी, पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उन लोगों ने मेरे सारे दोस्तों को तड़पा तड़पा के मार दिया और ये सब वो संभालिया कर रही है। सब उसी के गुलाम है। उसका घर की चीजें, उसका नौकर, सब अजीब है। प्लीज सर, आप लोग उनको रोक लीजिए। हम उसे डेफिनेटली रोक लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ जो तुम मुझे बता रही हो, ये हुआ कहाँ है? चंदनवाड़ी जंगल में। चंदनवाड़ी जंगल? सर, ये वही जगह है सर जहाँ आभा अपने फ्रेंड के साथ हाइकिंग के लिए गई है। आभा? आभा को फौरन फोन लगाओ, अभी इसी वक्त। आपके दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये जिस किसी ने किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, आभा का फोन नहीं लग रहे हैं। आभा का फोन नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आभा की जान खतरे में हो। लारा, तेज, राज, तीनों फौरन अभी इसी वक्त चंदनवाड़ी जंगल की तरफ जाने की तैयारी करो। यस सर। मूव। सर, इसी जंगल में उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। सर, यहाँ पे उसने जयेश को जिंदा गाड़ दिया था। अच्छा, तुम्हारा तीसरा दोस्त एमजे, वो कहाँ है? एमजे को तो उसने धुन बजाकर बैक पाइपर में खींच लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां से मैं किसी तरह बच के भागी तो मुझे रास्ते में एक डेड बॉडी मिली। जरूर उसे संभालिया नहीं मारा होगा। डेड बॉडी कहाँ पे? दोस्त आभा रे हाइकिंग पे आए थे। आभा की जान खतरे में। आभा! आभा! तुम हमें समालिया के कॉटेज का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हो? नहीं, नहीं बता, लेकिन रात को एक गाने की आवाज आती है जिसकी वजह से हम सब वहां पे खींचे चले गए। समालिया तो पहुंचना होगा किसी भी हाल में। आज मेरे सारे दुखों का अंत होगा। आज मैं एक नया इतिहास लिखूंगी, दुश्मनों की मौत का इतिहास, मेरी असीम सुंदरता का इतिहास, आजादी और दुनिया पर मेरे राज का इतिहास।